हमारे साथ में मौजूद है विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष पंडित कमल किशोर शर्मा जी। आपको बता दें, अभी दो दिन पहले की बात है, अतकटा नजराना एक ग्राम पंचायत है नवाबगंज से करीब 5-6 किलोमीटर आगे, यहाँ पर एक गौशाला बनी है। उसके पास में ही लगभग 2 दर्जन जो गौवंश हैं वो वहाँ पर एक नाले में पड़े हुए मृत पाए गए। तो ये गौरक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं, तो मैं इनके पास में आया हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये जो पूरा मामला है, क्या कहेंगे इस पर? मैं सचिन जी आपको बता दूं, मैं कल उस गांव में और गौशाला में गया था निरीक्षण के लिए। गांव वालों के द्वारा और वहां क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो मेरे को ज्ञात हुआ, उन्होंने ये बताया कि ये जितने भी मृत पशु मिले हैं नाले में, और वो एक नाला है, नदी नहीं, नाला है, जो खेतों का पानी बहाव आता है, और जितने पशु मिले हैं वो सब गौशाला के ही हैं, और ये ट्रैक्टर ट्राली द्वारा ले जाए गए थे, वहाँ पर डाले गए थे। लेकिन प्रशासन ने तो क्लीन चिट दे दी है, बोले भैया बाढ़ आई है, बाढ़ में पीलीभीत जिला से ये बह के आ गए यहाँ पे। उन लोगों ने अगर उस नाले को सही से देखने की कोशिश की होती, चंद कदम दूर, मतलब साई चौकी है, साई चौकी के पार उस नाले का कोई अस्तित्व नहीं है, उससे इसी पार का वो पानी उसमें आता है, कोई पीली उली भी से नाला नहीं आता है, वो ऐसा कुछ नहीं है, खेतों का पानी आता है। तो आप मानते हैं ये जो मृत पशु पाए गए हैं गौवंश, ये सब उसके हैं, गौशाला के? ये पूर्णता में मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूर्ण ये जितने भी गौवंश थे वो गौशाला के थे। मैं कल भी, मैंने 3 गौवंश वहाँ पे मृत पाए गए, 2 गायों को कौवा नोच रहे थे, खाने में भूसा नहीं था उनका, सड़ा हुआ भूसा वहाँ पड़ा है। मतलब जो वहाँ का प्रबंधक है वो बेहद ही, मतलब बहुत बड़ा उसने गुनाह किया है, और इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए उसे। प्रबंधक कौन है वहाँ पे, जो गौशाला वहाँ बनी है उसका प्रबंधक कौन है? कोई रामपाल नाम के सज्जन हैं, मैं उनको वैसे तो नहीं जानता, मगर मेरे को पता लगा कि रामपाल जी हैं कोई वहाँ के, जो प्रबंध इसका कर रहे हैं। आप गौरक्षक हैं, आप गौरक्षा विभाग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपने क्या करा? अगर 2 दर्जन 2.5 दर्जन वहाँ पे गौवंश वहाँ पे नाली में मृत पाए जा रहे हैं, आपने क्या करा, आपके संगठन ने क्या करा इसको लेकर? हमने पूरी अपनी ये रिपोर्ट बना के अपने आला अधिकारियों को भेज दी है, और ये रिपोर्ट लखनऊ तक चली गई है, और आज के पेपरों में भी आप पढ़ सकते हैं, अमर उजाला में, अमृत विचार में, सब में मैंने खुल के ये लिखा है। मैंने कोई किसी से के दबाव में ये काम नहीं किया है, पूर्णता मैंने खुल के कर दी, और उसकी जाँच कमिश्नर और कमिश्नर साहब को और DM साहब से। शिकायत में क्या कहा है आपने, क्या मांग करी है? शिकायत में जाँच की मांग की है कि ये पशु गौशाला के थे, और चारे का वहाँ पे बिल्कुल उसके नाम पे एक बहुत बड़ा व्यापार, मतलब गौशाला के नाम पे व्यापार किया जा रहा है वहाँ, गौशाला के नाम पर व्यापार चल रहा है। लेकिन सुना है गवर्नमेंट से हर पशु के हिसाब से रुपया आता है, उसके बाद में फिर कैसा व्यापार है, व्यापार जरा स्पष्ट करें। अब ये तो प्रबंधक बताएगा कि कितना पैसा आ रहा है, वो कहाँ क्या ख़त्म कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें प्रबंधक अपने आप, जाँच कमेटी बहुत जल्दी, मुझे आशा है कि बहुत जल्दी जाँच वहाँ पर बैठ जाएगी, बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ फिर क्या करेंगे आप गौरक्षक के हिसाब से? आप ये बात ना कहें, शासन और प्रशासन पे भरोसा रखें। कुछ शासन प्रशासन ने ही तो कहा है, पीलीभीत जिला से आए हैं ये, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन कह रहा है ये पीलीभीत जिला के, ना कि यहाँ गौशाला के हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा अखबार में और मीडिया के माध्यम से। भाई साहब पानी भरा हुआ था वहाँ पे, शासन प्रशासन कोई लोग लोकल नहीं है, वो लोग बाहर के होते हैं, उन्हें जैसा आप बता दोगे वैसा समझ जाएंगे। जाँच बगैर करे ही वो बता देंगे, आप कह रहे हैं शाही के पास में नाला बंद हो गया है, अब वो कह रहे हैं पीलीभीत जिला से जहानाबाद आगे से कहीं से ये आए हैं, अब वहाँ तक नाला है ही नहीं, तो किस आधार पे कह दिया फिर उन्होंने? मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जहाँ पे वो नाला आ रहा है, नाले के इस पार जो गाय मिली है, उससे पहले एक दरवा है बहुत छोटा सा, उसमें एक बच्चा डूब गया था, उसकी मतलब वो उस पार नहीं कर पाया, तो इतनी बड़ी गाय कैसे पार कर जाएगी, ये तो एक गलत कहना गलत होगा कि कहीं से गाय बह के आ गई, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है जो गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट जो अनुदान देती है गौवंश के लिए, तो आपको लग रहा है इसमें कुछ घोटाला हुआ है जिसके चलते ये गौवंश के लिए खाने के लिए नहीं मिला, या बीमारी जब हुई है तो उनका इलाज नहीं हो पाया, इसके कारण मौत हुई है, फिर ये मानते हैं? 3 चीज़ें हैं, बीमारी में इलाज का ना मिलना, जानवरों को भूख से तड़प कर मरना, सुचारू रूप से प्रबंध ना होना, ये एक मतलब हमारी सरकार को बदनाम करने की नीति से ये सब काम किए गए हैं, और जो भी संचालन उसका कर रहा है उसने बहुत ही बुरा किया है, और ये उसको भरना पड़ेगा, भरेगा, जांच भी बैठेगी, लेकिन प्रभु भी इसका दंड अवश्य देंगे। गौ हत्या सर चढ़कर बोलती है, और गौ हमारी माता है, गौ ब्राह्मण और पतिव्रता नारी, इसका जिसने अपमान किया है या गलत नज़र से देखा है उसका वंश नष्ट हुआ है, ये सत्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ में पंडित कमल किशोर शर्मा, ये गौरक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। मामला ये है, आपको बता दें
जो अतकटा नजराना है, जहाँ पे गौशाला बनी हुई है, जहाँ पे मुझे लग रहा है 350-400 गाय वगैरह हैं, काफ़ी बड़ी गौशाला है, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर गौवंश हैं। तो वहाँ पर मुश्किल से 100 या 150 मीटर पर यह देखा गया था लगभग 2 दर्जन से अधिक पशु वहाँ पर मृत पाए गए थे गौवंश। वो आपको बता दें प्रशासन वहाँ पहुँचा मौके पर, लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि ये जो मृत पशु हैं ना कि ये गौशाला के, ये जिला पीलीभीत से बाढ़ आई है, बाढ़ में ये बह के आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे पंडित कमल किशोर शर्मा जी हैं और तमाम ग्रामीण वहाँ के हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये जो गौवंश हैं वो इस गौशाला जो हमारे पास में बनी है यहाँ यहीं के हैं, और बीमारी या भूख के चलते इनकी मृत्यु हुई है और जिसके बाद में इन लोगों ने इसे बहा दिए हैं, इन जितने भी ये गौवंश हैं। अब मामला प्रशासन तक पहुँच गया है, आगे क्या कार्रवाई होगी वो देखने की बात होगी।